अच्छा जी, ये दो डिफरेंट हैं। ओके ओके, ये डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी है, वहां पर सीरियसली वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हाँ जी, अब रोजे जो हैं वो रवा दवा हैं टूवर्ड्स द एंड, बट इट इज वेरी हार्ट टचिंग। आप इतने पाक महीना जो होता है वो साल में एक दफा आता है, वो भी जो है वो खत्म हो रहा है। खैर एनीवेज, अब सारी जो है वो सब आप लोग सब ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं इस दफा ईद की सिर्फ अपनी तैयारी नहीं कर रही थी, न बेटी की न घर वाली ने, लाइक एक तरफ मेरा अपना पूरा घर था और एक तरफ मेरी जो क्लाइंट है शी इज इन अमेरिका, उनका समझे लाइक हाफ घर की तो मैंने तैयारी की है। तो मैं ना इस दफा दो दो जगह पे जो है, कभी अपने बच्चे कभी उनके बच्चों के लिए कभी क्या हो, क्योंकि शी इज इन अमेरिका फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स एंड वो कभी पाकिस्तान उसके बाद आई ही नहीं है 25 ईयर्स से। तो उनको जो है ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, पहले कोई ना कोई भिजवा देता था कुछ ना कुछ, बट नाउ लाइक उनकी चॉइस की चीजें होती हैं एंड शी ट्रस्ट्स मी लाइक एनीथिंग, कि जैसे जो मुझे जो अच्छी लगती चीज मैं उनके लिए ले लेती हूँ और उनको बहुत अच्छी लगती है बाद में। तो ये है कि मैंने पहले भी उनका जो सामान था वो भिजवा दिया था, आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा सामान कंप्लीटेड है और आज जो है वो मैंने उनका पार्सल जो है वो सेंड करना है। एंड सीरियसली टाइम नहीं है, सुबह से लेके मैं उठी हूँ तो मैं उन्हीं सारी चीजों पे लगी हुई थी कि सारी चीजें पूरी हो जाए, कुछ रह ना जाए। इतनी बहुत चीजें होती है ना, दिमाग से कुछ निकल भी सकता है। सो आई वॉज लाइक कि कोई चीज रह ना जाए, तो मैं और देर आर लाइक कपड़े तो मैंने आपको दिखा दिए थे लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। सो मुझे था कि मैं आज इनका पार्सल भिजवाना है, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें, सारे कपड़े उनके बच्चों के, उनकी सारी जो चीजें जो मुझे भिजवानी है वो सारी की सारी मैं भिजवा दूं, ताकि फिर जो है ना दिखा भी देती हूँ आप लोगों को और भिजवा भी देती हूँ। आज आप लोग सारा देखेंगे प्रोसीजर के हाउ आई डू इट। एंड पहले मैं आपको दिखाती हूँ पूरा जो पाइल बना हुआ है, पाइल मतलब मैंने बड़े तरीके से रखे हुए, ऐसे पाइल वाइल में नहीं रखती मैं, तो वो पहले मैं दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको वो चीजें क्लियरली दिखाती हूँ जो कि मैंने उनके बच्चों के लिए ली थी। हाँ जी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा मेरा बेड जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो भरा हुआ है और यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे कपड़े जो आप लोगों ने देखे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे उनके खुद के ये जोड़ा, ये वाला जोड़ा भी मैंने शेयर किया, ये भी शेयर किया हुआ, आई थिंक दिस ग्रीन, एक सूट शायद उनका रह गया जो मैंने शेयर नहीं किया, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो क्लिप बनाई हुई है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और बाकी ये कपड़े मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उनकी बेटी के भी कपड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मैंने आपको बतानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करती हूँ। ओके जी, ये सबसे पहले उनके बेटे का सूट है, मींस उनकी बेटे की शर्ट है। बाकी चीजें मैं आपको दे बैठ के दिखाऊंगी, जो जूते शूते मैंने लिए थे। तो ये उनके बेटे के लिए मैंने जो है वो कुर्ता लिया था, एक ये लिया था, दिस इज लाइक डिफरेंट ब्लू एंड दिस इज डिफरेंट ब्लू। ये अब मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि मैंने भिजवाना है। और ये मैंने अलकरम से लिया था और इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे एम्बोज्ड धागा वाला काम हुआ है। तो ये दो जो है वो उनकी ईद के बच्चों के कपड़े हैं। और इसके अलावा ये जो है ना अलकरम से ही मैंने ट्राउजर्स लेनी थी, दो अदद ट्राउजर्स हैं, एक ट्राउजर है और एक पजामा टाइप है, लड़कों के कपड़े हैं, तो वो ये भी लिए थे। अब मैं आपको वो चीजें दिखाती हूँ जो उनके लिए मैंने लिए हैं, जो कि मैं उनको भिजवा दूंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अब एक एक करके ना मैं उनकी चीजें आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने उनके लिए क्या क्या लिया, जिसमें है खुस्से भी हैं, जिसमें जूते भी हैं, जिसमें मीन्स ज्वेलरी थी उनकी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं अब भिजवा रही हूँ, और एक दो और चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने ना उनके लिए एक अदद अबाया लिया है। ये अबाया आप लोगों को याद होगा मैंने अपने लिए मरून एंड ब्लैक कलर का लिया था और उनके लिए जो है दिस इज पर्पल कलर। ये बहुत खूबसूरत अबाया, वैसा ही है जैसा मेरा अबाया था। तो ये अबाया इतना क्लियर करके मैं नहीं दिखाऊंगी, दिस इज द अबाया आई हैव बॉट फॉर हर। एंड इसके स्लीव्स जो है वो बंद है, वो नमाज के लिए या मस्जिद में जाने के लिए शी वाज सेइंग कि मुझे अबाया चाहिए। तो ये एक अदद अबाया है जो कि मैंने लिया है, एंड विच इज वेरी फ्लेरी और इसका कलर बहुत कूल सा ग्रेइश पर्पल
मिक्सचर है। तो एक अदद मैंने ये अबाया इनके लिए लिया है और उसके बाद उनके बच्चों के लिए मैंने ये लिया है सिपारा पढ़ने के लिए। इट इज़ लाइक नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट वॉन्टेड टू शो ऑल, तो मैंने मुझे था कि मैं दिखा दूँ कि छोटी बेटियाँ उनके सिपारा पढ़ने के लिए जो ये हिजाब लिए हैं मैंने दो अदद। और उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये ज्वेलरी है, ये लास्ट टाइम मैंने उनको भिजवानी थी लेकिन वो जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजंस। तो अब ये है कि मैं कोशिश करूंगी मैं कोई कुछ ना कुछ उनको भिजवा दूँ। तो कुछ ज्वेलरी है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, शायद मैंने पहले आप लोगों से शेयर की हुई थी, अगर याद नहीं होगी तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं, ये भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पैकेज के साथ जो है वो उनको भिजवा दूँ। बहुत प्यारी चूड़ियाँ उनकी बेटी के लिए मैंने ली थी। और उसके बाद लाइक चूड़ियाँ शूड़ियाँ मैं भिजवा सकती थी लेकिन पॉलिसी ये है कि वो छोड़ते नहीं है। मैं इसमें कोशिश करूँगी कौन कौन सी चीज़ जा सकती है उनकी बेटी की। ये इयर रिंग्स थे और ये एक और इयर रिंग्स हैं, ठीक है, ये भी उन्हीं के ही हैं। इसके अलावा जो है ये बहुत खूबसूरत सा उनका जो है एक मीन्स ब्रेसलेट है जो कि मैगनेट वाला है, इस तरह मैगनेट लगा हुआ है इसके यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके यहाँ पर मैगनेट है, बहुत प्यारा है, ये देखिए। तो ये एक ब्रेसलेट है, ये एक एंकलेट है, एक और एंकलेट है वो नीचे गिर गया, वो फिर मैं दिखाती हूँ आपको भी, रेड कलर का ये। तो ये एक अदद एंकलेट ब्रेसलेट नीचे गिरा हुआ, वो अभी मैं बाद में उठाऊंगी तो मैं फिर आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी। अच्छा जी, ये थी उनकी ज्वेलरी। और इसके अलावा जो है दिस इज अनदर वन, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा वाइट कलर का ब्रेसलेट है जो कि मैंने ऑटोमन ज्वेलर से लिया था। ये भी देखूंगी, आई डोंट थिंक सो कि ये वाला बड़ा है क्योंकि ये जा सकेगा। और ये एक अदद रिंग मैंने उनके लिए भिजवा रही थी कि मैं एज अ गिफ्ट दूंगी, बट वो ये भी नहीं गया, वो जो दूसरे गिफ्ट्स थे वो मैंने भिजवा दिए थे। खैर एनीवेज, ये उनकी कुछ ज्वेलरी है जो कि आज मैं किसी तरह जुगाड़ करूंगी, अभी किसी दुपट्टे शुपट्टे पर लगा दूंगी कि वो उन तक पहुँच जाए। अच्छा जी, फिर जो उनके जो बेटा है बच्चा है उसके लिए जो है वो जो मैंने आपको कपड़े दिखाए ईद के उसके साथ के, मैंने उसके लिए जो है वो उन्होंने कहा खेड़ियाँ, सो मैंने खेड़ियाँ ली हैं, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द खेड़ियाँ, आई बॉट इट फ्रॉम जे डॉट, ठीक है, ये जे डॉट से मैंने ये खेड़ियाँ ली हैं, ये वाली खेड़ियाँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ द शूज। शूज ये था कि मैंने, उन्होंने मुझे कहा था मुझे कोल्हापुरी, पिछली दफा जब मैंने उनको भिजवाए थे जूते वो थोड़े से उनको टाइट थे, तो जूते ना थोड़े से रिस्की होते हैं, मैं थोड़ा सा डरती हूँ जूते लेते हुए, और मुझे होता है कि नाप सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन जूते मंगवाए थे और उसका मुझे कितना बैड एक्सपीरियंस पड़ा था। तो जब आप, ये तो भी ऑनलाइन ही हुआ, आपको भिजवाया आपने पहने नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा जूतों पर आई वॉज हेजिटेंट, मैंने उनको बोला था। तो उन्होंने फिर मुझे अपना साइज भेजा, आई एम सीरियसली प्रेइंग कि जो जूते मैं उनको भिजवा रही हूँ वो उनको साइज जो है ना वो पूरा होना चाहिए, पूरे तरीके से उनके पैरों में आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी ना कोल्हापुरी भिजवाएं। सो कोल्हापुरी के लिए सबसे पहले मैं गई स्टाइलो, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत रश होता है और इतना टाइम भी नहीं होता रमजान के बाद, यू नो सीरियसली रमजान के बाद आपको यकीन नहीं आएगा, इस रमजान ही पहली रमजान थी जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे बिजी रही हूँ, लाइक मैं सुबह से लेके ना रात तक मैं बिजी रहती थी। सुबह आप उठे, आपने प्लान किया आज आपने ये इफ्तारी बनानी है, आपको टू द पॉइंट मीन्स चीजें करनी होती हैं, और दूसरा ये कि आपको एग्जैक्ट टाइम पे इफ्तारी देनी है और रेसिपी भी शेयर करनी है, वो सारा एक अलग था। फिर मैं, मुझे इनके काम होते थे, फिर अपने काम, फिलहाल सीरियसली ना मैंने अपनी बेटी के शूज लिए है और मेरे टेलर के पास भी मेरे कपड़े नहीं गए हुए, अब मैं पहले इनके सारे काम कंप्लीट करने पे लगी हुई थी कि पहले मैं इनका काम कर दूं और इनका काम भिजवा दूंगी तब मैं रिलैक्स होंगी और तब मैं कुछ काम करूंगी। तो अभी ये है कि मेरे बेटी के सिर्फ टेलर के पास कपड़े पड़े, वो जब आ जाएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला उसकी में थोड़ी बहुत डिजाइनिंग रहती है, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर मेरे कपड़े हैं वो मैंने टेलर को देने, वो सारे काम सीरियसली मैं हर रोज अफतारी के बाद जा रही होती थी। एंड मेरे हस्बैंड का मूड भी बड़ा ऑफ होता था क्योंकि वो कहते थे बस सारा दिन अफतारी इससे पहले भी थका हुआ होता हूँ, तो अभी तो मुझे बोलती हूँ कि ये काम करें, ये काम करना है, मुझे ये जाना है करना। तो सीरियसली मैंने आधा रमजान में तो मैंने कामरान मार्केट सदर और यहाँ पर गुजारा है। सीरियसली जो पिंडी में रहने वाले उनको पता है कामरान मार्केट में आपको गुड क्वालिटी स्टफ मिलता है, गुड क्वालिटी मीन्स टेलरिंग भी बहुत अच्छी होती है, एम्ब्रॉयडरीज बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि पिंडी में मैं कहाँ कहाँ जाती थी, पहले मैं जाती थी बहरिया टाउन लेसेस लेने के लिए, लेकिन फिर अभी इतना टाइम नहीं था, वो बहुत दूर है मेरे घर से, तो कामरान मार्केट वॉज कन्वीनियंट फॉर मी, मैं वहाँ जाती थी, लेसेस भी अपने कपड़ों के लिए ले लेती थी, दुपट्टे पीको शिको भी मैं करा लेती थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैंने बहुत प्यारे अपने दुपट्टे ईद के किए।
और ये वाले कपड़े जो है ना वो सिंपल, क्योंकि उन्होंने मांगे थे तो सिंपल ही गए। इससे पहले वाले कपड़े मैंने बहुत बहुत ज्यादा मीन्स चीजें लगा के और जैसे मैं डिजाइन करती हूँ उस तरह के थे, लेकिन ईद के कपड़े आप लोग मेरे देखेंगे कि मैंने बहुत अच्छे डिजाइन किया। अच्छा जी, कम बैक टू स्टाइलो, मैं स्टाइलो गई और स्टाइलो के जूते जो है बिल्कुल अच्छे नहीं मुझे मिले, और मुझे इतने ना मीन्स जो कोल्हापुरी मैं मांग रही थी वो वैसे मुझे नहीं मिले। एंड देन आई रिमेम्बर कि मैंने ECS पे कोल्हापुरी देखी थी जो लास्ट ईयर भी थी, हो सकता हो, तो मैंने अपनी बेटी से कहा चलो जाते हैं ECS। हम ECS पहुंचे और आपने वो व्लॉग देखा होगा, मुझे बहुत खूबसूरत कोल्हापुरी मिली और मैंने उसमें से 3 जोड़े लिए थे। 2 जोड़े मैंने अपनी सब्सक्राइबर के लिए लिए थे, 1 जोड़ा मैंने अपने लिए लिया। अभी मैं सिर्फ फिलहाल आपको अपनी सब्सक्राइबर का के जूते दिखाऊंगी, और अगर आप लोगों ने लेने आप जाके ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये जूते मैं ले आई हूँ, तो अब ये देखें जरा, ये सबसे पहला जो जूता है ना वो ये वाला है, ये मैंने आपको दिखाया था। इट इज वेरी ब्यूटिफुल कोल्हापुरी, और ये आप देख सकते हैं उनके पैर का साइज है 42, और मैंने कोशिश की कि थोड़े बड़े से हों और बहुत प्यारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना मैं आपको डिटेलिंग बताती हूँ इसकी, ये इसके ऊपर सारा तिल्ले का काम हुआ, पूरा जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लुक आती है ना कोल्हापुरी की, कोल्हापुरी चप्पल, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट कोल्हापुरी बोलते हैं इसको। तो ये इसके ऊपर पूरा तिल्ले का काम है, पूरी चप्पल पे यहाँ गोल्डन कलर का तिल्ले का काम है, बहुत प्यारा। यानी ये येलो नहीं है, इट्स मस्टर्ड कलर, ठीक है। और ये नीचे से लेदराइट है, और यहाँ पर साइडों पे इसकी दोबारा तिल्ले का, ये पूरी तिल्ले की लाइन बनी हुई है चारों तरफ, ठीक है। ऊपर भी तिल्ला, यहाँ पर, और ये जो जगह है ना यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करी थी वो यहाँ पर ना सारा ऐसे ग्लिटरी सा कुछ लगाया हुआ है इन्होंने, तो वो ना इस जूते को बहुत खूबसूरत लुक देता है। बिलीव मी, इट लुक सो ब्यूटिफुल। तो ये एक अदद मैंने जूता उनके लिए लिया था, मुझे बहुत प्यारा लगा, और नीचे से भी इसके लुक देख लें आप, तो ये बहुत प्यारा लगा था। उनके पास बहुत कम थे, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हैं तो यू कैन ऑर्डर, बट ये है कि मैं ऑनलाइन के फेवर में इतनी ज्यादा नहीं हूँ, आप लोग जाके देखें तो बेहतर है। लेकिन ECS मेरा नहीं ख्याल कि क्वेटा में भी नहीं है, पेशावर का मुझे नहीं पता, अगर है तो प्लीज नीचे। अच्छा, ECS अगर जिन जिन शहरों में ना वो नीचे लोकेशन एंड बता दें कि कहाँ कहाँ पर है, किस जगह पे है, तो वो ये होता है कि लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था इंसिग्निया का, तो क्वेटा में भी था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये है कि आप लोग नीचे जो है कमेंट कर दें ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए उनकी, अगर सिटी में नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इस सिटी में ये मौजूद है, तो वो उनको हेल्प कर देगा। तो ये एक आप लोग हेल्प कर सकते हैं। पहला जूता तो मैंने आपको दिखा दिया, इट्स लाइक मस्टर्ड कलर, एंड सेकेंड इज दिस वन, दिस इज वेरी, ये ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल नीचे करके ना एक पड़ा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि मुझे निकाल के दिखाएं, तो उन्होंने मुझे कहा ये लास्ट पीस पड़ा हुआ है, जब मैंने नंबर देखा इट वाज 42, आई वाज लाइक ये बेस्ट है। फिर मैंने जब इसको पहना ना, क्योंकि मैं पहन के चेक करती हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं है, तो ये यहां से बहुत कंफर्टेबल है, यहां से पता नहीं इसमें क्या मटेरियल लगा, इट्स सो सॉफ्ट, जब आप पहनते हैं ना तो वो ऐसे फीलिंग ही नहीं आती। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि उनका पैर बहुत चौड़ा है, तो जब वो कुछ पहनती है तो उनको टाइट होता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये पहने रखेंगे ना, क्योंकि ये लेदर है तो ये कुछ अरसे में खुल जाती है, तो आप इसको पहने रखें, जैसे खुद से होते हैं ना तो पहने रखें तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेलिंग बता दूं, इट इज लाइक इस पे भी तिल्ले का पूरा, ये जैसे खुस्से पे काम होता है उसी तरह का इस पे तिल्ले तिल्ले का काम है, ये अंगूठे वाला है और यहाँ पर भी तिल्ले का काम है, यहाँ पर भी तिल्ले का काम है, और ये इसके नीचे जो है ना अजीब सा एक लेदर, ये लेदर लगी हुई है, ठीक है, इस पे ECS लिखा हुआ है, और यहाँ पर वही गोल्डन कलर का जो यू कैन से के जो होता है स्पेशली, वो ही इसके ऊपर जो है ना वो हुआ हुआ है। तो ये इनका दूसरा जोड़ा था। अब मैं आपको और इनकी चीजें दिखाती हूँ जो कि मैंने इनके लिए ली है, ताकि ये सारा सामान मैं वाइंड अप करूं और उसके बाद मैं ये आपको दिखाऊंगी। मैं जाऊंगी इंशाल्लाह ताला DHL, वहां पर जाके मैं इसको, या DHL अल्लाह करे टाइमली मेरे हस्बैंड अभी आ जाए, तो फिर मैं जाके ये अभी ही आज दे दूंगी ताकि ये चला जाए। एंड सीरियसली द DHL चार्जेस आर गॉन सो हाई, जो भिजवा रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं भिजवाया था, बट ये कि वो डॉलर प्राइस आर गॉन सो हाई, तो वो तो आप ना ही पूछेंगे किधर तक जा रहा है। बट ये कि ये सारा सामान जो है वो तकरीबन 10 kg के अराउंड होगा, क्योंकि इसमें पहले जो मैंने तोला था तो इसमें मैंने अब आया डाला ही नहीं था, कुछ चीजें नहीं डाली थी, अब जब डाली तो मुझे पूरा यकीन है 10 किलो तक, 8-9 किलो तक चुप पहुंच जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके बहुत सारे क्यूट से कुछ चीजें, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो इनकी जो है वो 2 बेटियां हैं जो कि बहुत छोटी एज के में 8-9 ईयर्स के बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके लिए जो है वो मुझे चाहिए कोल्हापुरी। लेकिन कोल्हापुरी जो है ना, मैंने जब 1-2 दिन मैं गई भी हूं तो मुझे कहीं पर भी कोल्हापुरी तो मुझे कहीं नहीं नजर आई, बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, और अगर वो थी भी तो वो दे वर लुकिंग वेरी पेंडू, तो मुझे था कि नहीं मैंने नहीं लेनी। तो मैंने जो लिया, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा खुद से दे दें, तो मैं आज, मैं कल गई थी तो मैं
खुसे लेकर आई हूँ, इतने खूबसूरत खुसे मैं लेकर आई हूँ। यू कैन सी उनकी बेटियों के जो कपड़े हैं ना, वो मारी अभी के एक ब्लैक कलर का लहंगा गरारा है और एक ना कुर्ता शलवार है और एक मरून कलर का गरारा है, तो ब्लैक कलर के साथ जो है ना, ये देखिए आप कितने प्यारे हैं ना। तो ये मैंने उनके लिए लिए हैं, ये इसके ऊपर पूरी ये वेलवेट लगी हुई है एंड इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। दिस इज इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। तो ये एक मीन्स इस तरह के मैंने दो पेयर लिए क्योंकि उनकी दोनों बेटियों के कपड़े हैं ना, तो छोटी बच्ची हैं तो लाइक दोनों के एक दिन के जो है मरून है और एक दिन के काले हैं, तो मैंने दोनों के लिए जो है पहले ये काले कलर के लिए। अच्छा इन दो मैं गौर नहीं किया, ये देखिए ये डिफरेंट है। अच्छा जी ये दो डिफरेंट हैं, ओके ओके, ये डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी है। वहां पर सीरियसली रात का टाइम था, मेरी नजर भी कमजोर है, मुझे तो नजर भी नहीं आता तो ये डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी है। ओ माय गॉड, सी कितने खूबसूरत है ना ये। तो ये एक जो है वो उनकी छोटी बेटी का है, ये छोटी बेटी के, और ये जो है ना बड़ी बेटी के। तो ये दोनों के लिए मैंने ब्लैक कलर के खुस्से लिए वेलवेट वाले, ठीक है। और ये इतने मजे के खुस्से हैं, इतने सॉफ्ट खुस्से हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के खुस्से। अच्छा जी ये मैंने दो खुस्से ये वाले लिए और गरारे के साथ जो है ना वो मैंने ये वाले खुस्से लिए। आप ये देखिए वेलवेट है, कितने प्यारे हैं, सीरियसली ये बहुत खूबसूरत है और इतनी जबरदस्त क्वालिटी के। इस पर सारा जो है ना यहाँ पर लेदर लगा हुआ है और यहाँ पर वेलवेट है और वेलवेट के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी है तिल्ले के काम की, ठीक है। तो ये वाले जो है ये मैंने दो लिए हैं, दो पेयर ये भी लिए हैं जो कि उनकी दोनों बेटियों के हैं, ठीक है। सो ये जो है वो इट लुक्स सो नाइस, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ना खुस्से बहुत अच्छे लगते हैं, आई विश मेरे पैरों पे खुस्से आते, मैं पहन ही नहीं सकती, मेरे पैर चौड़े हैं, मुझे जो है ना शदीद किस्म की जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है अगर मैं खुस्से पहन लेती हूँ, तो खुस्से मैं पहन ही नहीं सकती, खुस्सा इज नॉट माई थिंग। अच्छा जी एक चीज जो थी वो उनके लास्ट वाला जब मेरा उनका पार्सल जाना था वो उससे रह गई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर बस यही चीजें हैं, इनको करते हैं वाइंड अप, इनको मैं डालती हूँ बैग के अंदर एंड आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू कम। और हाँ वो जो जुगाड़ करना है मैंने इस ज्वेलरी के साथ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी क्या, बस वो मैं बंद कर दूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास मुझे जाके ये कपड़े डी एचएल करने। अच्छा जी मैं जरा आपको वो कुर्ता दिखाती हूँ जो कि मैंने लास्ट कुर्ता जो इनकी बेटी के लिए। हाँ जी तो ये कुर्ता है एथनिक से मैंने लिया था बट लास्ट टाइम ये रह गया था, देयर वर फ्यू रीजंस फॉर दैट, लेकिन ये बहुत प्यारा कुर्ता है, अभी अच्छा है गर्मी है तो वो पहन लेगी बच्ची। और ये देखिए कितना खूबसूरत कुर्ता है, ये बहुत प्यारा कुर्ता था, ये लास्ट टाइम मैंने उनके लिए लिया था। और ये देखिए ये स्लीव्स हैं इसके, इट्स लॉन कुर्ता और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सी इतना प्यारा कुर्ता है ये। मैं मुझे सीरियसली प्रिंट वगैरह भूला हुआ था कि मैंने किस तरह का लिया था, लेकिन ये माइंड में रखा हुआ था कि ये कुर्ता इस दफा जाना ही जाना है क्योंकि पिछली दफा जो है ना ये रह गया था। ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कुर्ता है, पिंक, वेरी शॉकिंग पिंक कलर है, बड़ा प्यारा सा। सो खैर ये सारी चीजें जो है वो हो गई हैं। और हाँ जी गरारा जो है ना वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, मैं अभी फिर आपको लास्ट लुक दिखा देती हूँ क्योंकि वो भी जाना है उनका। सो बस अभी इन सारे कपड़ों को करते हैं वाइंड अप और मैं जाऊंगी, मैं बस अपने हस्बैंड का वेट करी, वो गए हुए थोड़ा काम है उनका और वो आते हैं तो बस फिर हम निकलते हैं। हाँ जी तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर मैंने पैक की और फिर मैं लेकर गई DHL के ऑफिस एंड ये तमाम चीज़ों का वेट तकरीबन बन रहा था 10.25 किलो एंड बिलीव मी इट कॉस्ट लाइक अलॉट 53,000-54,000 रुपीज़ फॉर 10 kgs टू USA एंड मैंने जब पहले भी पैकेज भेजा था वो भी तकरीबन इतना ही था एंड इट कॉस्ट मी दैट टाइम लाइक 38,000 और हार्डली 6 महीने पहले की बात। और इस दफ़ा जो है ये पूरे तकरीबन 20-18,000 रुपये ज़्यादा। सो खैर अभी अल्लाह दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, डॉलर की प्राइसेस आर गोइंग सो हाई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्राइसेस डिफरेंस है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।